गुड इवनिंग दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इवनिंग का वक्त है और मैं घर आ चुकी हूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप देख सकते हैं इस टाइम हम लोग छत पे हैं और आप देख सकते हैं छत पर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ से बहुत दूर दूर तक आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से घंटा घर भी दिखता है बट एकदम क्लियर नहीं दिखता, वो थोड़ा सा ही पार्ट दिखता है उसका ऊपर का। आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी दूर तक का एरिया कवर होता है और मेरे पीछे भी कोई आया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे रेलिंग नहीं बनी हुई है तो हम लोग किनारे नहीं जाते हैं क्योंकि डर लगता है काफ़ी ऊँचाई से। और दोस्तों आसमान आप देख सकते हैं यहाँ का। दोस्तों हम लोग को घर आए अभी 15 से 20 मिनट हुआ है और हम लोग ने चाय पी है, उसके बाद हम लोग छत पे आए हैं घूमने क्योंकि कल हम लोग वापस चले जाएँगे बाराबंकी। आज ही का दिन है, उसके बाद फिर पता नहीं कब आना हो। और दोस्तों वहाँ पर दादी हैं, दादी जो है क्या बोलते हैं गेहूँ पछोड़ रही हैं और हमने छत पे हैं, सांसद जी जा रहे हैं नीचे, इतना अच्छा लग रहा है तभी भी वो जा रहे हैं। अरे दोस्तों मैं आपको बैक कैमरा करके पूरा नज़ारा दिखाती हूँ कैसा दिखता है यहाँ से। और दोस्तों राइट में पूरा सॉरी रात में पूरा मोहल्ला एकदम जगमगा रहता है क्योंकि सबके घर में लाइटें जलती हैं और सांसद जी देखे जा रहे हैं बच बचा करके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो जीने बने ना उसमें साइड साइड से जो ड्रिल होती है वो नहीं लगी हुई है तो डर लगता है, मुझे भी लगता है थोड़ा थोड़ा बट मैं चढ़ भी लेती हूँ उतर भी लेती हूँ। आइए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि कहाँ कितनी दूर तक कवर होता है। यहाँ छत पर से पानी की टंकी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, टावर, दुनिया भर की चीज़ें सब दिखती हैं। दोस्तों पीछे का नज़ारा देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, सांसद जी चले गए और मैं दोनों फ़ोटो शूट करते हैं। जब भी कुछ अच्छा करने वाला होता है वो लोग चले ही जाते हैं, मैं अकेली हो जाती हूँ हमेशा। और उस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है पर अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में और पैर में भी बहुत दर्द हो रही क्योंकि माना कि पैदल नहीं घूमा लेकिन तभी भी थक ज़रूर गए हैं। और उसको आप देख सकते हैं ऊपर चंदा मामा भी निकले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नहीं दिखेगा काफ़ी दूर है और प्लस छोटे हैं मतलब हाफ है चंदा मामा। और देखिए मैं अभी नीचे ही जा रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ तो अच्छा नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है लेकिन अकेली हूँ तो नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर साफ भी नहीं है जो आप बैठ जाओ, बट मैं बैठ सकती हूँ लेकिन मैं बैठूँगी नहीं क्योंकि बाइक पे बैठे 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 आप समझ सकते हैं। और उससे सभी लोग यहाँ पे अपनी छत पे हैं, कोई ना कोई अपनी छत पे शाम का मज़ा ले रहा है मौसम का। और उससे इधर से बादल देखिए कितना क्लियर कितना अच्छा लगता है। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ नीचे और क्या सभी लोग नीचे हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया। दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं, सांसद जी मुझे छोड़ के भाग गए हैं। और दोस्तों देखिए कितने फ्लोर नीचे जाना पड़ता है प्लस साइड में वो पकड़ने वाली ग्रिल नहीं है तो मुझे और भी डर लगता है बट अब हैबिट हो चुकी है तो डर कम लगता है। और पहले मुझे बहुत डर लगता था, मैं जीनों को पकड़ पकड़ के चढ़ती थी बट अब मैं उतर भी लेती हूँ चढ़ भी लेती हूँ। और दोस्तों धीरे धीरे अब अंधेरा भी हो रहा है तो छत पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं और जैसे जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूँ अंधेरा होता ही जा रहा है। तो चलिए सीधे घर में चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए आम खाया जा रहा है और ये इंसान मुझे छोड़ के चला आया था और देखिए यहाँ पे आम के लालच में कोई मुझे छोड़ के चला आया, अभी अकेले एक बुढ़ी बुढ़ी दादी के पास भाग।
दोस्तों मैं भी जा रही हूँ आम खाने, वरना खत्म हो जाएगा मेरे इससे काम।